सो यार ऑलराइट सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. सो अगर आपको याद है तो हमने कुछ लास्ट क्लास में बात किया था समथिंग इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स का कैरेक्टर क्या होता है, दैट इज समथिंग वी हैव सीन. वो हमने देखे थे एबिलिटी टू मूव, राइट, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, देन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंज. सो ऑल दोस दिस कैरेक्टर इज समथिंग वी हैव सीन. ये सब हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सब जनरल आपके ट्रेट्स होते हैं आपके लिविंग बींग्स के. सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व, राइट. तो ये सब हम देख चुके थे. एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक कुछ जनरल ट्रेट्स जो आपको लिविंग बींग्स में मिलते हैं देखने के लिए. देर आर लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी. सो ये सारे ट्रेट्स आपको एक लिविंग बींग के अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए. तो ये सब हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं. देन वी हैव स्टार्ट विद द चैप्टर एंड वी हैव सीन द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की हमने इसमें बात की थी जहां पे आप डिस्कस करते हो कि न्यूट्रिशन आपके दो टाइप्स को होती है, ऑटोट्रॉप्स एंड यू हैव अ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉप्स में यू हैव योर प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, दे कैन मेक देयर ओन फूड. हेटरोट्रॉप्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो दैट इज समथिंग यू ऑल नो. तो यहाँ पे इनिशियली सब बेसिक बेसिक चीजें ही हैं एंड देन वी कैन जंप ऑन टू द मेजर पार्ट जहां पे आप एक्चुअली में डिस्कस करोगे कि डाइजेशन कैसे होता है या ब्रीदिंग कैसे होता है. सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी दैट. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड योर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, राइट, एंड दे ऑब्टेन फ्रॉम फूड. ये वो ऑब्टेन करते हैं आपके फूड से विच कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स. सेम गोज फॉर अस, सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे होते हैं वो हमारे डाइट से मिल रहे होते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी सुपर एसेंशियल फॉर अवर वेलबींग एंड ग्रोथ के लिए. सो सब्सटेंस विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो से हम कहते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आर द एग्जाम्पल जो हम अगेन वी हैव सीन दैट इन द लास्ट क्लास, राइट. सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन द स्लाइटली मोर डिटेल. सो नाउ यू हैव अ रॉ मटेरियल, वी नीड सम रॉ मटेरियल टू सस्टेन द लाइफ, ठीक है. सो हाउ यू ऑप्टेन द फूड, आप फूड को ऑप्टेन कैसे करते हो तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे. सो यू हैव अ टू मोड्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हिटरोट्रॉपिक. ऑब्वियसली हम जो है यहाँ पे वी आर ऑल गोइंग टू बी हिटरोट्रॉप्स. We actually go out there and like हम अपना food like लेके आते हैं. We cannot make their own food, but when it comes to plants and bacteria, they are going to be the autotrophs. तो ये भी हम like this is something you are all familiar with. Now, let's see आज हमें क्या देखना है. So let's talk about my autotrophic mode of nutrition. So यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा. So you have an organism takes in inorganic substance from the surrounding and will convert it into the ऑर्गेनिक फूड. तो आपका ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेता है और उसे कन्वर्ट करता है आपके ऑर्गेनिक फूड के अंदर. ये होते हैं मेरे यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर फोटोसिंथेसिस. सो द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हियर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट योर फोटोसिंथेसिस. अब आप में से कोई मुझे बताइए कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपके कौन से इंग्रेडिएंट्स लग जाते हैं. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स आई नीड टू हैव टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या क्या चाहिए मुझे. हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए. यू हैव जस्ट रेज योर हैंड ना. आकाश बताइए. सो सर, फर्स्ट वी नीड सनलाइट व्हिच इज ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड देन वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर एंड इवन समटाइम्स वी आल्सो नीड द प्लांट्स आल्सो नीड सम ऑफ ऑक्सीजन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. व्हाई ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस? So it's because it helps in the exchange of gases. That's with why they need both carbon dioxide and oxygen. So I am still not clear, Ashraf, ki oxygen kyun? Like, okay, CO2 is something I can understand. Why oxygen? You have told me that they need that for exchange of gases. Kyun? Why you need to exchange the gases over there? Koi nahi, like I'm just like asking you. What is the reason for that? So I'll tell you one thing. So you have told me about the oxygen. I'll tell you what can be the oxygen can be used for. So precisely, Akrash, oxygen aap photosynthesis ke liye use nahi karenge, but there are some other activities which do require oxygen. So we'll see that what happens over there.
So यार इतना यू हैव अ लाइट CO2 वाटर इज समथिंग यू नीड टू हैव, ये आपके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं आपके यहां पे टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. दीस आर द मेजर थिंग्स यू नीड टू हैव एंड देन यू कैन सक्सेसफुली कैरी आउट योर फोटोसिंथेसिस. तो यहां पे बेसिकली आप देख सकते हो दैट योर CO2 एंड वाटर इज अ इनऑर्गेनिक कंटेंट. दिस इज गोइंग टू बी द इनऑर्गेनिक कंटेंट, राइट? इट इज अ इनऑर्गेनिक कंटेंट. And now this inorganic content can be used to make your own food. So, अब यहाँ पे मैं आपको photosynthesis short में बताऊंगा और आपको हमेशा याद रखना what happens in the photosynthesis. So, in the photosynthesis, you have this two like divisions over here. पहला आपका होता है something known as your light reaction. There is something known as your light reaction. एक ये part होता है photosynthesis का. And दूसरा part आपका यहाँ पे रहेगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे as a dark reaction. Now, dark reaction is the older term. आजकल की डेट में ये टर्म कोई यूज नहीं करता. सो इंस्टेड ऑफ डार्क रिएक्शन यू कैन यूज अ टर्म लाइक अ केल्विन साइकिल, राइट? और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ केल्विन साइकिल. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इट इज बीन कॉल्ड एज अ केल्विन साइकिल. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, हम समझ रहे कि फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है. सो दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ. सो लाइट रिएक्शन जो आपका होता है फोटोसिंथेसिस का, याद रखना इसमें जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो दैट इज गोइंग टू बी योर sunlight and your water. ये दो ingredients आप यहां पे use करते हो during your photosynthesis, during your light reaction. So photosynthesis will have two parts, light reaction and dark reaction. पहले आपका होता है light reaction. अब जब आपको यहां पे light reaction करा जाएगा, so when you have this light reaction happening over here, इसके बाद आपको यहां पे कुछ मिलेगा. So once the light reaction takes place, जब आपका light reaction complete होता है तो आपको दो चीजें यहां पे मिलती है. And those two things are going to be, one is my ATP and other is going to be your NADPH. So these two molecules are the one which you get by the end of the light reaction. So yaad rakhna, photosynthesis karte samay light reaction ke baad aapko do cheez milegi, ATP and NADPH is something you will get, right? So that is what you have received. Abhi dekho yahan pe aapko sugar molecule nahi bana hai kyunki light reaction khatam nahi hua hai. जब लाइट रिएक्शन आपका फोटोसिंथेसिस आपका खत्म होगा ना, नॉट लाइट रिएक्शन, जब आपका फोटोसिंथेसिस खत्म होगा देन यू विल फाइंड कि आपको शुगर मॉलिक्यूल मिलेगा. बट अभी आपका सिर्फ लाइट रिएक्शन खत्म हुआ है. एंड नाउ यू विल हैव द केल्विन साइकिल. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल में आप क्या यूज करते हो, यू यूज अ इंग्रेडिएंट लाइक योर CO2. यहाँ पे आप CO2 यूज करोगे एंड CO2 के साथ साथ जो भी आपको मिला था लाइट रिएक्शन के बाद, वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड आफ्टर लाइट रिएक्शन will be used in my Kelvin cycle. So light reaction ke baad mujhe yahan pe kya mila tha, ATP and NADPH. So yaad rakhna, Kelvin cycle mein CO2 ke sath sath you will be using the ATP and you will be using your NADPH. These two things will be using, aur ye aapko kahan se mil rahi hai, ye aapko mili thi by the end of the light reaction. So that is something you have received after the light reaction, right? To ye ingredients aap use karte ho yahan pe. अब ये केल्विन साइकिल रन करने के बाद, वंस यू रन द केल्विन साइकिल, व्हाट हैपेंस, यू विल गेट द शुगर मॉलिक्यूल. जैसे आपका केल्विन साइकिल खत्म होगा आपको क्या मिलेगा एंड में, यू विल बी एबल टू गेट समथिंग लाइक योर शुगर मॉलिक्यूल. सो दैट इज हाउ प्लांट इज गोइंग टू मेक इट. अब जो शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे मेरा बना है दैट इज योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. हमने क्या बोला था, आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर आप क्या करते हो, यू यूज इनऑर्गेनिक कंटेंट एंड आउट ऑफ दैट इनऑर्गेनिक कंटेंट यू मेक द ऑर्गेनिक कंटेंट. तो ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने इनऑर्गेनिक कंटेंट को हमारे यहाँ पे यूज किया एंड अल्टीमेटली वी हैव मेड अवर ऑर्गेनिक कंटेंट. और जो ऑर्गेनिक कंटेंट जो मेरा यहाँ पे बना है दैट इज गोइंग टू बी द शुगर मॉलिक्यूल. सो ये बात आपको रखनी पड़ेगी याद. सो यू हैव टू नो वेरी क्लियरली दैट इन फोटोसिंथेसिस यू हैव योर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, और कहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. सो क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर, ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, डू लेट मी नो अगर कोई चीज में कंफ्यूजन हो तो, राइट? आई एम बीइंग लाइक स्लाइटली फास्टर आई गेस, मतलब आई एम लाइक कीपिंग माय दिस पेस. लेट मी नो अगर मुझे स्लो करना हो तो, राइट? आकाश, अदिति एंड ऑल ऑफ यू, सूर्यांश एंड ऑल ऑफ यू, जो भी लोग यहाँ पे, लेट मी नो अगर मुझे थोड़ा टोन डाउन करना हो, थोड़ा स्लो करना हो लेक्चर को, देन प्लीज इंटरप एंड लेट मी नो. ठीक है आकाश, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू अपेरेंटली. यस सर, यस सर, दिस इज अ परफेक्ट पेस आई वुड से. ठीक है, राइट, ठीक है. बाकी लोगों के लिए भी अगर लगे कि कम करना है देन प्लीज लेट मी नो. ओके, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो इन अ शॉर्ट आई हैव टू टेल यू वन थिंग,
When you talk about photosynthesis, don't talk about oxygen over there. यहाँ पे आप directly oxygen को use नहीं करते. Oxygen has a different kind of role in plant, but you don't use them for the photosynthesis, right? But let me tell you one thing that during the light reaction, याद रखना आपके ingredients क्या हैं यहाँ पे, light and water, उसे use करके हम ये दो चीजें हम बनाते हैं यहाँ पे. But when the light reaction completes, याद रखना एक और चीज आपकी यहाँ पे होती है, there is a release of O2. When the light reaction completes, जब light reaction आपका हो रहा होता है, उससे ज़्यादा हो रहा होता है, तब वो time पे एक चीज़ रखना, there is going to be a release of a O2 molecule. तो light reaction जब हो रहा होता है, तब आपका oxygen molecule आपका release किया जाता है. So oxygen molecule is been released from the plants, and this is the oxygen which you are breathing right now. तो ये बाहर आ जाता है. So this oxygen will be formed right during the light reaction, और इसको आप plant बाहर release कर देते हैं. And this is the oxygen that we are right now breathing. ठीक है, तो ये बात रखना कि ऑक्सीजन आपका आता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, दैट इज व्हेन इट इज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हो तो एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट वाटर को ब्रेक डाउन करके हमें ऑक्सीजन मिलता है. दिस वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज एंड द फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल गेट रिलीज इन टू द एटमोसफेयर. सो ये आपका आ जाता है आपका एटमोसफेयर के अंदर. So that should be clear to you, and please remember these are the ingredients I'll be using over here. These are all ingredients I need to use for my photosynthesis. So that should be very well clear to you. So now let's have a look. So here you have a plant, sunlight yahan pe hai uske samne, in the presence of light, it takes in the CO2, it takes in the water, and then what happens? Convert them into the food, that is your sugar molecule. So that should be clear to you, right? By a process known as my photosynthesis, this mode of nutrition is known as your autotrophic mode of nutrition. So that's how you make your own food. That's how the plant is going to make their own food. The same thing you can find happening with a certain bacteria as well. You have some bacteria like your cyanobacteria, jaisa aapka cyanobacteria hota hai, wo bhi aapka kuch wo bacteria ke category mein aata hai jo aapka khud se khana bana sakte hai. They can also carry out your photosynthesis, jo humne last class mein baat kiya tha. Theek hai? Now I'll just tell you one more thing over here about photosynthesis quickly. Can you tell me the name of the organelle? Kaun sa organelle hota hai jisme hota hai mera photosynthesis? Quickly. तुषार बताइए. क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट इज ऑर्गेनल. सो यू हैव दिस क्लोरोप्लास्ट ओवर हियर एंड दिस इज ऑर्गेनल इन विच आई विल बी फाइंडिंग माय फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस, राइट? नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स रैपिडली ओवर हियर. सी, क्लोरोप्लास्ट को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल फाइंड सम पैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर विच आर केप्ट ओवर हियर. And that is something going to be called as my grana. So ये जो structure मैंने यहाँ पे बना कर रखा है आपके सामने, this structure over here is called as my grana. This is going to be called as your grana. So you will have multiple granas like this. Let me quickly tell you over here, you will have multiple granas. So यहाँ पे I'll just make few of them. You'll have hundreds of them. So you have number of grana inside the chloroplast. ठीक है? ये जो organelle मैंने बनाया है आपका यहाँ पे, that is the chloroplast. And all granas are being connected to each other. All granas are going to be connected to each other. यहाँ पे मैंने सिर्फ तीन ही बनाए, but याद रखना, you will have like hundreds of grana like this, and they are all going to be connected to each other. Okay? Now let me tell you one thing very clearly. See, assume करो कि मैं grana को magnify करके देख रहा हूँ. So assume that I am magnifying the grana and I am observing them. So when I magnify a grana, what I get to see? See, all these structures, ये जो disc वाले जो structure आपके सामने दिख रहे हैं, these disc structures are nothing but my thylakoid. So you call them as a thylakoid. These disc वाले structure are over here are called as my thylakoid. So you call them as a thylakoid. अब आप यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आपके यहाँ पे एक thylakoid नहीं, you have multiple thylakoids which are kept one above the another, and you may have made a grana. So complete structure is called as my grana, and grana is made up of my thylakoid. तो कई सारे थैलाकॉइड लगा के आपने यहाँ पे ग्रेना बना के रखा हुआ है यहाँ पे. सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू. नाउ व्हाट विल हैपन इफ समवन आस्क यू, तो इतना तो आपने देख लिया दैट यू हैव अ ग्रेना, यू हैव अ थैलाकॉइड मेड अप ऑफ द थैलाकॉइड. दिस वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू, द फ्री स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा. द फ्री स्पेस इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा. ये जो फ्री स्पेस मेरा यहाँ पे है, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ स्ट्रोमा. ठीक है, एंड ये ऑर्गेनल जो मेरा यहाँ पे, दैट इज माय क्लोरोप्लास्ट. Now all of you must have heard that you have some pigments which carries out photosynthesis or which actually helps in the photosynthesis. These are nothing but my chlorophyll pigment.
ऑल ऑफ यू हैव हर्ड दैट कि क्लोरोफिल पिगमेंट आपके जो होते हैं वो बेसिकली आपकी मदद करते हैं टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है कि क्लोरोफिल पिगमेंट मुझे कहाँ मिलेंगे? कैन एनीवन टेल मी वेयर आई कैन सी द क्लोरोफिल पिगमेंट ओवर हियर? मुझे कहाँ मिलेंगे? एनीवन? ऑलराइट, शुड आई टेल यू? सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्लोरोफिल पिगमेंट, सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्लोरोफिल पिगमेंट, सो क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपके होते हैं बेटा, याद रखना क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपके होते हैं यही सनलाइट को ट्रैप करते हैं, यही सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सो दे आर सुपर एसेंशियल फॉर माई फोटोसिंथेसिस, so they are going to trap the sunlight, they are the one which will trap your sunlight. So yaad rakhna aapke jo chlorophyll pigment honge they are seen in the thylakoid membrane, so you will find them in the thylakoid membrane, please remember this thing. So chlorophyll pigment are always being observed in my thylakoid membrane, you find them in the thylakoid membrane, so please remember this thing very clearly. थैलाकोइड में कहीं पे भी नहीं, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट मुझे कहाँ मिल रहा है, देन आपका आंसर होगा थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में, इन दैट मेम्ब्रेन आई विल फाइंड अ क्लोरोफिल पिगमेंट. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स ओवर देयर, राइट? एंड इफ यू जस्ट रिमेंबर द क्लोरोफिल पिगमेंट इज अ रीजन, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो द लीफ गेट्स अ ग्रीन कलर, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं उनके वजह से आपको ये ग्रीन कलर भी आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो पिगमेंट आर सीन इन माय थैलाकोइड मेम्ब्रेन, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? Now quickly tell me, you have a event in the photosynthesis जहां पे मैं ATP और NADPH use करता हूँ along with the CO2. तो उस pathway को हम क्या बोलते हैं? Please raise your hand and tell me the answer. The pathway in which I'll be using my ATP, NADPH and CO2 to make something. So what that pathway is called as? वो cycle को हम क्या बोलते हैं? What that cycle is called as? Question नहीं समझ आया क्या बेटा आप लोगों को? क्वेश्चन ऐसा है कि हमने कभी पाथवे देखा था ना जहाँ पे आप लोग अपना NADPH, ATP along with CO2 इन सबको आप यूज करते हो टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, दैट पाथवे इज कॉल्ड एज व्हाट? अभी भी तो देखा था बेटा हम लोगों ने, अभी भी तो देखा था हमने, वी हैव सीन दिस ना, we have seen this, that pathway over here will be called as what? So the answer is going to be your Kelvin cycle. Kelvin cycle, ये रहा हमारा. So Kelvin cycle देखिए क्या हो रहा है उसके अंदर. Kelvin cycle में क्या हो रहा है? CO2 आप use कर रहे हो, ATP आप use कर रहे हो, NADPH आप यहाँ पे use कर रहे हो. And using this, you are making a sugar molecule. इसको इस्तेमाल करके आप अपना यहाँ पे sugar molecule बना रहे हो. And that is something called as your Kelvin cycle. ठीक है, Kelvin cycle में ये दो चीजें आपके यहाँ पे होती है. Like you use these things to make the sugar molecule. So now let me tell you one thing. When we discuss a Kelvin cycle, अगर आपसे कोई पूछता है कि केल्विन साइकिल हो कहां पे रहा है, इफ समवन आस्क यू कि केल्विन साइकिल मेरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पे हो रहा है, देन आपका आंसर होगा स्ट्रोमा. केल्विन साइकिल विल ऑलवेज रन इन द स्ट्रोमा. केल्विन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई डार्क रिएक्शन, इफ यू रिमेम्बर, केल्विन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई डार्क रिएक्शन एंड दैट इज गोइंग टू रन इन द स्ट्रोमा. तो ये आपका स्ट्रोमा में आपका रन किया जाएगा. उसी तरीके से वी ऑल्सो नो दैट यू हैव समथिंग लाइक योर लाइट रिएक्शन. सो इफ समवन आस्क यू कि लाइट रिएक्शन मेरा कहां पे होता है, देन आपका आंसर यहां पे होगा थैलाकोइड मेम्ब्रेन. सो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपका होता है लाइट रिएक्शन. सो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड योर केल्विन साइकिल इज गोइंग टू टेक्स प्लेस इन योर स्ट्रोमा. So these are the two things you have to know. So now we have seen, we have a very clear cut overview of my photosynthesis. Now I know where does the light reaction take place. Now I know where does the Kelvin cycle takes place. Iske alawa, I also know that during light reaction, what I'll be using and during Kelvin cycle, what I'll be using over there. So kya ye sari cheeze aapko samajh aa rahi hai? Are these things clear to all of you? Jo bhi humne yahan pe slide pe discuss kiya, is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right? And I'm hoping the same for all of you as well. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. एंड अगर कोई चीज लग रहा है कि रिपीट करनी है, इफ दिस समथिंग यू थिंक कि सर ये रिपीट होना चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो, सो आई बी रिपीटिंग दैट, राइट? इफ दिस समथिंग यू वांट मी टू रिपीट, देन प्लीज लेट मी नो, सो आई विल मेक श्योर दैट वो रिपीट हो जाए. ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया केल्विन साइकिल. सो हाउ डू यू डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इट्स अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, राइट? सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज माय ऑटोट्रॉप्स. सच ऑर्गेनिजम्स आर माय ऑटोट्रॉप्स, लाइक योर मोड्स, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया भी आपके खुद से कर सकते हैं. अगर मैं बैक्टीरिया के यहाँ पे नाम लिखूं तो आप याद रख सकते हो, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर साइनोबैक्टीरिया,
So you will have something like your cyanobacteria. That is the bacteria jo aapka usually karta hai yahan pe photosynthesis. They are the one which can carry out the photosynthesis. Theek hai? This is something you have to know. All right. So however, there are some organisms which cannot prepare their own food. They depend on the other organism for their own food. Like us, hum sare heterotrophs hain. Right? Jaise ki aap yahan pe dekh sakte ho, you have one animal chasing another animal. Yahan pe you can see a monkey trying to get those bananas. And then you can see a deer eating the grass over there. So they cannot make their own food and they depend on other for getting the food. So that these are called as my heterotrophs. Ye log seedhe seedhe apna khana bana nahi sakte, they depend on others. Like dusre ko jaake consume karenge. You can see the panda, you can see a ant over here. Acha, can anyone tell me hume ye giant panda kaha milta hai world mein? Where do I get to see giant panda? Anyone has any clue where, like, if I have to see a giant panda, then which part of the world I should go to? Bataiye Akrash, kahan jana padega mujhe? Maybe Eastern Asia, like China and etc. Yeah, China is a place where I should be going over there. That is where you will get to see a giant panda, which is also their national animal. Giant panda is also you get to see, agar aapko yaad ho to WWF ke logo pe bhi hota hai. WWF matlab wo wala nahi, fighting wala nahi. WWF, the World Wide Fund, which conserves the wildlife. Unka agar aapne logo ko bhi dekha ho, to uske upar bhi giant panda hota hai. So that is something you can get to see over here. So animals go out there and consume their consume food directly. They cannot make their own food. So the mode of nutrition is called as my heterotrophic mode of nutrition. Right? So depending on others, aap dusro pe yahan pe depend karte ho for your nutrition. So all animals and even your fungi is going to be my heterotrophs. So all animals along with their fungi is going to be heterotrophs. Ab heterotrophs mein aapko main yahan pe kuch terms bataya chahunga. Quickly I'll just add some terms over here in this. So you will get to see when you discuss heterotrophs, you can have something like your, you have a term like be some animals being parasite, or I can say parasitic mode of nutrition. Or parasitic, I just write nutrition over here. So you have some animals which are going to be parasitic. Now, can any one of you can give me example of animal which is going to be a parasite? Can anyone give me example and explain what is a parasite? Other than Akrash, Aditi, bataiye. Which is a parasite, bataiye. First, the example is cascata and tapeworm, and the parasitic nutrition in which organism get their food from living organism. All right. Yes. Without killing them. Without killing them. Bahut badhiya. Right. So without killing them, they're going to derive the nutrition from the other animal. Yes. So as the Aditi very rightly said, that parasitic nutrition mein aapko kya milega, that you will have some animals over here, right? Which are going to be called as my parasites, which can be called as your parasites. And now these parasites, what they will do, na, they will like get inside the another animal. Or jis animal ke andar ye log jayenge, usse hum bolenge yahan pe as a host. We are going to call them as a host, jiske andar ye jaate hain, right? Let's assume she gave us the example of your tapeworm. She gave us the example of your tapeworm. Now, tapeworm yahan pe kya karta hai? Tapeworm will get inside the body. Let's say ye host mein chala gaya. Aur host kya aapka yahan pe, let's say it's a human being. It's a human. Now, what will happen after that? The tapeworm will start living the intestine and will derive the nutrition. Ye aapke andar se aapka nutrition derive karega. And understand one thing over here very clearly. पैरासाइट जो होता है वो आपको खत्म नहीं करेगा. इट विल कीप ऑन डिराइविंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम यू, राइट? तो ये हार्मफुल है. इट विल हार्म द बॉडी. यू विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट, बट स्टिल यू विल सर्वाइव. क्योंकि अगर उसने आपको मार दिया, देन उसका न्यूट्रिशन कहां से आएगा, राइट? सो दे आर नॉट किलिंग यू डायरेक्टली, बट दे आर हार्मिंग यू, एंड दे आर हार्मिंग यू टू इन सच एन एक्सटेंट कि आपका लाइवलीहुड उसमें अफेक्ट होता है. ओके, सो दीज आर द पैरासाइट. वी आर गोइंग टू डिराइव द न्यूट्रिशन. सो दे आर गोइंग टू डिराइव द नरिशमेंट, right? And that will have the cost, right? So uska hamesha aapka yahan pe cost aapka rehta hai. Cost kya hai? Harmful cost rehta hai host ke upar. So this is one of the example you will get to see, your tapeworm inside the host. So that is going to be a parasitic animal, and that's a mode of nutrition you will have. Okay, you can have one more example she has given us. That is going to be your cascuta. So cascuta is a plant, aur ye plant dusre plant pe jaake grow karega, right? Aur usme se nutrition derive karega directly. Okay, so it won't make its own food. मतलब वो खुद से खाना बनाता नहीं है.
खाना पीना पानी जो भी रहेगा वो सारे के सारा दूसरे प्लांट के ब्रांचेस में से वो निकाल लेगा. दैट इज व्हाट कस्कुटा एज अ प्लांट इज नोन फॉर. सो दीज आर द टू एग्जांपल यू कैन हैव. एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, गोइंग टू बी एक्टोपेरासाइट, दैट इज योर लीच. लीच आपने टीवी पे देखा होगा राइट, आई थिंक रियल लाइफ में शायद आपने देखा ना हो, बट शायद टीवी पे तो आपने देखा होगा, और एल्स इफ यू हैव बीन टू सम फॉरेस्ट यू माइट हैव सीन दैट. सो लीच इज एक्टोपेरासाइट, ये आपके बॉडी पे जाके चिपक जाएगा एंड विल स्टार्ट सकिंग द ब्लड. सो इट विल गेट ऑन टू योर बॉडी एंड इट इज गोइंग टू सक द ब्लड. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर एक्टोपेरासाइट. एक्टोपेरासाइट जो पेरासाइट आपके बॉडी के ऊपर अटैच होकर न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टोपेरासाइट. जो बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन लेते हैं यू कॉल देम एज एंडोपेरासाइट्स, लाइक टेप फॉर्म. टेप फॉर्म बिल्कुल आपके बॉडी के अंदर जाके आपका न्यूट्रिशन ले रहा है, सो आई कैन कॉल देम एज एंडोपेरासाइट. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब पेरासाइट के अंदर मैं आपको एक टर्म यहाँ पे ऐड करूंगा, दैट टर्म इज गोइंग टू बी न्यू टू यू, बट एक टर्म हम यहाँ पे देख सकते हैं एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी योर ब्रूड पेरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म. नाउ लेट्स सी व्हाट दिस टर्म एक्चुअली मींस. यहां मैं इसका पहले आपको एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल इसका ये आएगा, आपने सुना होगा दैट कोयल इज समवन हु डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. कोयल कभी भी अपना लाइक खुद से नेस्ट नहीं बनाती. सो व्हाट द कोयल इज बेसिकली गोइंग टू डू, शी विल ले द एग्स इन सम अदर नेस्ट. ये आपने कभी ना कभी सुना होगा या पढ़ा होगा या किसना किसने आपको बताया होगा दैट कोयल गोज आउट देयर एंड विल ले द एग्स इन सम अदर बर्ड्स नेस्ट. सो कोयल क्या करेगी, वो जाके समझो क्रो है उसके अंदर जाके वो अपने एग ले कर देगी. सो सी व्हाट इट डज ना, कोयल क्रो के नेस्ट में जाएगी, वहां पे अज्यूम करते कि ऑलरेडी तीन एग्स है वहां पे, उनमें से एक एग को पुश करके नीचे गिरा देगी एंड देन इट विल ऐड इट्स ओन एग. राइट, नाउ व्हाट हैपेंस, बेबी हैच आउट होते हैं. राइट, बेबी हैच आउट होते हैं और उसमें होता क्या कि आपके जो कोयल के जो एग होते हैं वो जल्दी हैच आउट होते हैं. लाइक अज्यूम दैट क्रो के एग हैच आउट होंगे 20 डेज के बाद, सो आपके कोयल के एग हैच आउट हो रहे हैं आपके 18 डेज के बाद. सो जो बर्ड जल्दी हैच आउट होता है दैट विल बी स्लाइटली लार्जर, दैट इज लाइक अ बड़ा भाई और बड़ी बहन वहां पे होती है, वो थोड़ी आपकी बड़ी होती है. अब होता क्या है, नाउ दिस बर्ड व्हाट इट डज ना, जो आसपास के जो बेबीज होते हैं जो हैच आउट होने के जो बेबीज होते हैं, इट विल पुश देम आउट ऑफ द नेस्ट एंड विल फॉल डाउन. अब वो ऐसा क्यों करता है, नाउ टेल मी समथिंग, व्हाई द कोयल बेबी इज गोइंग टू पुश उसके सिबलिंग्स जो वहां पे होते हैं, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर जो वहां पे होते हैं, उनको क्यों पुश करके नीचे गिरा देता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्विकली टेल मी. हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, या आई होप इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज द क्वेश्चन इज. क्वेश्चन इज व्हेन द कोयल इज गोइंग टू ले द एग इन द क्रोज नेस्ट, आफ्टर दैट वंस द बेबीज हैच आउट, बेबीज क्या करेंगे, जो कोयल के जो बेबी होगा वो क्या करेगा, जो बाकी के जो मेरे दो बेबीज है वहां पे उनको धक्का मार के गिरा देता है. व्हाई इट विल डू दैट, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. Yes, Akrash, tell me what can be the possible reason for maybe that. Maybe because it doesn't have enough information of what those eggs really are. Because you just repeat yourself again, Akrash, again, tell me. What again. If it doesn't have information about what an egg really is? Like it doesn't know what it really is, so it of course pushes it off. Or either it also be it isn't familiar with the characteristics that egg has. That is different from an coiled egg. Because of fact it doesn't have similarities with coil sac, it may that's why it maybe pushes it off. Okay, got it. Because it doesn't happen to realize that ye mere sath dikh nahi raha, it doesn't have some common traits. That's why it pushes away. That's what you're telling me. Okay. Now I tell you what actually happens. Now it's a very simple thing. What actually happens? No? Like we have like three babies over there, right? Usme ek aapka coil ka hai. So what happens that jab mother bird food leke aa rahi hai, so what is happening? You have a resource partition aapka ho raha hai. आपकी मदर रिसोर्सेज लेके आई, खाना लेके आई, अब वो डिवाइड होगा तीनों के बीच में. व्हाट यू कैन डू टू गेट ऑल द फूड, पुश देम आउटसाइड द नेस्ट. राइट, सो व्हेन यू पुश योर सिबलिंग आउटसाइड द नेस्ट, व्हाट बेसिकली हैपनिंग, आपके रिसोर्सेज अब जितने भी आपके हैं जो मदर आपकी लेके आ रही है वो सब आपको मिलेंगे. एंड दैट इज व्हाट इट डज, दैट इज व्हाट दिस कोयल बर्ड डज, बेबी बर्ड डज, इट विल पुश द सिबलिंग्स आउट ऑफ द नेस्ट. एक बार चले गए बाहर नीचे गिर गए, सो मदर बर्ड को तो पता चलेगा नहीं, मदर बर्ड तो सोई की वैसे ही गिर गए वहां से, कूद के गिर गए वो लोग. Now what it will happen that all the food with the mother bird is going to bring is going to be given to the your this bird, quail bird, which is growing over there. So basically to get all the nourishment, to get all the resources from the parent, you do that. The bird is going to do that. So that is why the reason you will find ki ye wo push karta hai. Aur ye uske nature mein hota hai. Ye uske like it is instinct in the nature that push the siblings outside the nest. So that is what you find happening over here.
एंड याद रखना दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माई ब्रूड पैरासिटिज्म. सो ब्रूड पैरासिटिज्म का जब भी एग्जाम्पल आपके सामने आएगा आपको ये वाली स्टोरी याद रखनी है, द स्टोरी ऑफ द क्रो एंड द कोयल. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज द टर्म ब्रूड पैरासिटिज्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे? ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा. सो लेट्स सी ओवर हियर. सो लेट्स सी सम ऑफ द थिंग्स दे हैव मेंशन. सो यू हैव योर हर्बीवर्स नीड अ डिफरेंट फूड कंपेयर्ड टू कार्निवर्स बेस्ड ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? फॉर एग्जाम्पल हर्बीवर्स हैव अ लॉन्गर डाइजेस्टिव सिस्टम. हर्बीवर्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ये काफी लंबा होता है. अगर आप किसी लेपर्ड लायन अगर आप देखोगे तो इतना लंबा नहीं होता, इतना लॉन्ग इंटेस्टाइन आपको नहीं मिलेगा. कैन यू टेल मी द रीजन फॉर हैविंग सच ए लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक इन द हर्बीवर्स? एनीवन कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दैट? एनीवन कैन थिंक एंड टेल मी व्हाई हर्बीवर्स हैव सच ए लॉन्ग? हां जी आकाश बताइए. बिकॉज़ ऑफ फैक्ट दे नीड टू डाइजेस्ट प्लांट्स लाइक ग्रास एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? दे रिक्वायर मोर एंजाइम्स एंड मोर डाइजेस्टिव टाइम जस्ट फॉर इट टू गेट डाइजेस्ट. That's why they have a longer intestine, just so more enzymes could be get added. I think there's a specific enzyme that is indeed needed to digest grass and things like that. And that is able to, the more of that enzyme is able to process on the grass in, due to the longer intestine. Got it. Yeah, you're true. That's a correct answer. You need to digest something like a cellulose. Now understand this one thing. Herbivores are the plants. इनका क्या होता है? प्लांट्स को खाना. एंड प्लांट इज समथिंग व्हिच विल बी हैविंग समथिंग लाइक योर सेलुलोज. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ योर सेलुलोज एंड प्लांट विल हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ सेलुलोज. अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इट इज अ लॉन्गर प्रोसेस टू ब्रेक इट डाउन. इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई यू हैव अ लॉन्गर इंटेस्टाइन, बिकॉज इट टेक्स अ मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट द सेलुलोज. एंड टू मेक दैट हैपन यू नीड टू हैव एन एंजाइम कॉल्ड एज माय सेलुलेज. सो एक एंजाइम आपका यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेलुलेज. So that enzyme is something you will find, it will act on the cellulose and will start breaking down that particle. So yes, herbivores ko digest karne ke liye time lagta hai, and that is why they will have a much more longer intestine, because they have to digest cellulose, which is a molecule jo time consume karta hai. Okay. On the other hand, agar aap carnivores ko dekhte ho, then carnivores will have a longer intestine. Ab inka smaller isliye because carnivores are going to eat the meat and meat will have a huge amount of protein. Meat will have a very good amount of protein, और protein को digest करने में आपका ज़्यादा time नहीं लगता, so that is why they will have a short intestine, ठीक है? So herbivores are going to eat the grass, whereas the carnivores are going to eat the flesh. यार इतना flesh eating के पास protein आता है that nutrition में, and that is very easy to digest with the small intestine. Then organization, whether the organism is unicellular or multicellular, so that also matters a lot, right? जैसे आप बात करें यहाँ पे amoeba की. So if amoeba has to eat something, वो बस जाके उसे consume कर लेगा directly. Amoeba के अगर पास में कोई food particle होगा तो उसके पास जाएगा और उसे engulf कर लेगा. Right? That is the simplest way of eating the food for amoeba. So unicellular organism has a different mode, whereas multicellular organism has a different mode. So what happens with us now? When we eat something, there are number of enzymes, there are number of glands, there are number of regions in the stomach जिनका अपना अपना काम होगा. And they will do their job and it is going to be a very complex process. So, when we eat food, we digest it. It is not a very straightforward, simple process. It's a complex process. So, again, yaad rakhna, multicellular will have a much more complex process of digestion compared to your amoeba or unicellular animal, right? Depending on whether the organism is saprophytic or parasitic. So, I've told you all already about the parasitic. Saprophytic mein kya hoga? Let me tell you one thing. Animals which feed on dead and decaying matter, right? So for example, your fungi. Fungi will grow on the rotten meat. Fungi will grow on the rotten, your like fruit or even the dead leaf. Pe grow kar jayega fungi aapka. So that is the example of being saprophytic. Yaad rakhna ek baar fir aapko bata raha hu, saprophytic mode of nutrition means you are feeding on dead and decaying matter. Theek hai? Iske do example yaad rakhna. Ek to fungi aapka yahan pe example ek bahut badhiya aa sakta hai. Along with that, you can also have your bacteria sometimes, at times can behave like a saprophytes. So fungi and bacteria, please Darkna, they are going to behave like a saprophyte, or they are going to show the saprophytic mode of nutrition. They are known to show that. Not all bacterias, but many bacterias are known to show that. Okay. Feeding on dead and decaying matter. Okay. Parasitic humne dekh liya kya hota hai. So that's something we have seen. Okay. Now, so this is where this part gets completed. Now the next thing is going to be your nutrition in the human beings. Nutrition in the human being is the next thing we are going to start with.
देखो अभी तक हमने क्या देखा, वी हैव सीन समथिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड देन वी हैव सीन डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे हमने ध्यान दिया अबाउट हिटोट्रॉप्स के अंदर पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक कार्निवरस डाइजेस्टिव ट्रैक एंड हर्बीवरस डाइजेस्टिव ट्रैक, दैट इज समथिंग वी हैव सीन अभी के क्लास के अंदर फिलहाल के लिए, ठीक है. नाउ लेट मी एड ऑन समथिंग ओवर हियर, लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स. टेक्स प्लेस इन अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल. सो आपके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके थ्रू आपका खाना यहाँ पे होता है आपका डाइजेस्ट. ओके, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, लेट्स सी दैट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, राइट. सो व्हेन समवन टॉक्स अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, दैट सिंपली मीन्स व्हाट, आपके माउथ से लेके एनस तक, फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस, this complete length over here is called as my alimentary canal. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे alimentary canal. It starts from the mouth and ends on the anus. Digestive glands उसके साथ साथ आपको मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको आसपास आपको कई सारे glands आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, and that is something you will find them playing a very important role. Now let's do one thing. So that is the alimentary canal. It starts from the mouth and will end up into the anus, right? So mouth से anus तक का जो आपका part है, that's your alimentary canal. बहुत चीजें इसमें आते हैं, इसमें आपका स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलॉन, एवरीथिंग विल कम इन दिस. ओके, सो इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, नॉट सेम थ्रू आउट. इसका डायमीटर हमेशा चेंज होगा, मतलब माउथ के साइड पे कम होगा, नीचे जाके बढ़ जाएगा, फिर वापस कम होगा. सो इट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द एनस, दैट इज द एलिमेंट कैनाल. ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर्स विच सीक्रेट एंजाइम. नाउ डू वन थिंग, नेम फ्यू ग्लैंड्स फॉर मी, मुझे कुछ ग्लैंड्स के आप यहाँ पे नाम बताओ, कौन से ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे आपका जो आपके एलिमेंट्री ट्रैक के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द नेम ऑफ द फ्यू ग्लैंड्स क्विकली. एनीवन विद द ग्लैंड? सूर्यांश, अदिति, आकाश, मोहम्मद ना, तुषार बताइए, नेम फ्यू ग्लैंड्स ओवर हियर. पैंक्रियाज, लिवर. ओके, पैंक्रियाज. Then you have your liver. Okay, anything else? Gastric gland. Gastric. Thyroid gland. ठीक है. Okay. Intestine. Salivary gland. Excellent. Okay. Let me write it down. Everything. So you have a gastric gland. All right. Then you have a salivary gland. Okay. Anything else? Intestine. Thyroid gland. ना, thyroid doesn't have to do anything with the digestion. ठीक है, intestine is not a gland. So liver, pancreas, gastric gland बता दिया, salivary gland, anything else? All right, that's it. Apparently इतने आप लोग याद रखते, बाकी आप और भी देखेंगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो. You have some more glands over here. You have your gallbladder which will also have a secretion. So now what these glands are known for? Glands अपना content आपके intestine में release करेंगे. So now let me tell you like an example. You have a pancreas. Pancreas will release your all the enzymes in the intestine. ठीक है, और उसके वजह से आपका खाना डाइजेस्ट वहां पे होगा. लीवर की अगर मैं बात करूं तो लीवर से भी आपका कई सारा कंटेंट आपका आता है इंटेस्टाइन के अंदर, विच विल प्ले द रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. सेम थिंग गोज फॉर द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आपको मिलता है स्टमक में, विच इज सीन इन द स्टमक. एंड देन यू हैव द सलाइवरी ग्लैंड विच इज सीन इन द माउथ पार्ट, और वहां से आपका आता है सलाइवा. वहां से आपका सलाइवा आता है, एंड सलाइवा इटसेल्फ विल हैव फ्यू एंजाइम्स, राइट. I'll just take your couple of minutes. I'll just take two or three more minutes and then we can wrap this up. I know your time is still 4:30 only, but just give me like 3-4 minutes and then we'll wrap this up. So you will have your salivary gland and that is the first gland you come across. So agar aap baat karte ho alimentary canal ki, so mouth se aap start karo and the first thing you will see is your salivary gland. Now let me tell you a few things over here. Now let me, so these are the names you can see: salivary gland, gastric gland, pancreas, liver are the one. Now, let me tell you one thing about salivary gland, and that is something you have to know. See, whenever I discuss something like a salivary gland, you should know ki yahan se aapka aata hai saliva. That's the first thing you know, that you will find saliva coming out of this area of this gland. Right? Iske pehle aap ek cheez yaad rakhna, that how many salivary glands you have in the buccal cavity, how many salivary glands you have in the mouth, then you should know you will have three pairs of salivary gland. I'll just write SG over here. Salivary glands have been seen. ठीक है, तो तीन होती है,
on one side you'll have the three and on the other side you'll have the three. So you'll have three pairs of, like total six होंगे आपके पास. You have three pairs of salivary gland you will get to see. Okay. Now what do you get to see in saliva? Let's see that. Saliva आपको क्या पे क्या मिलेगा? So you will have an enzyme called as my amylase. You will have an enzyme, which I'm even kept as a salivary amylase. So I'll just write over here amylase. So this is the enzyme I'll get to see in the saliva. What this enzyme is known for? Ye enzyme jana jata hai for the digestion of your starch. This is known for the digestion of starch. That is what this enzyme is known for. Second thing, you will have in the saliva something like my lysozyme. Lysozyme. So just a minute. So you will have an enzyme known as my lysozyme. Is an enzyme which you will get to see in the saliva. Ab ye lysozyme karta kya hai? What is the property of a lysozyme? So it is known to kill the bacteria. It is known to kill the microbes. So iska kaam hota hai to digest the microbe. Or I would not say digest, but rather I can say is going to kill the microbes. See, whenever you are eating something, there's a very likely chance that khane ke saath kuch na kuch to muh mein aa raha hai. तो उसको आपको ब्रेक डाउन करना है, उसको आपको लाइक न्यूट्रलाइज करना है, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माय लाइसोजाइम, राइट? अलोंग विद दैट यू गेट टू सी नंबर ऑफ थिंग्स इन द सलाइवा, लाइक यू हैव सम एंटीबॉडीज, आपको कुछ एंटीबॉडीज यहाँ पे मिलेगी. आई राइट द नेम ऑफ वन एंटीबॉडी जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ IgA. सो IgA इज बेसिकली अ एंटीबॉडी, इट इज गोइंग टू बी अ एंटीबॉडी विच यू विल फाइंड इन द सलाइवा. Now let me tell you one thing which you all of you must have seen. एक चीज आपने अपने लाइफ में ऑब्जर्व की होगी, वो मैं आपको बताऊंगा. See what actually happens now. Over here, generally we will get to see that अगर किसी एनिमल को कोई इंजरी होती है, उसे कोई कट लगता है, तो आप कभी नोटिस करना, what it will do, it will start licking that particular bone. अगर किसी एनिमल को चोट लगती है, you must have seen all that thing. That it will start licking its wound, चाहे वो कोई बड़ा सा cat हो, tiger हो, या कोई दूसरा herbivorous animal है आपके यहाँ पे. So why does that? Now try to understand. Your saliva has something like a lysozyme. You have something like a lysozyme, and you have something like your IgA. ये क्या करते हैं? ये basically अगर वहाँ पे कोई microbe आ चुका होगा, तो उसे वो लोग like break down कर देंगे. और ये सब आपका instinctive behavior है. It is something which is coded inside you. इवन अगर आपको कट लगता है, इवन अगर आपको समझो आपको छोटा सा कट लगता है आपके हाथों के ऊपर, यू विल इंस्टिंक्टली आप क्या करोगे, यू विल पुट योर फिंगर इन योर माउथ. नाउ दैट इज डन बिकॉज यू लाइवा विच विल हैव नंबर ऑफ एंजाइम्स विच हैव अ प्रॉपर्टी टू किल द माइक्रोब्स. तो अगर कोई माइक्रोब एंटर करता है या कोशिश करता भी है, देन यू न्यूट्रलाइज देम, यू आर बेसिकली गोइंग टू न्यूट्रलाइज देम ओवर देयर. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. आई टेल यू वन मोर थिंग, एक एडिशनल चीज आपको बताऊंगा यहाँ पे. Saliva will also have something known as my epidermal growth factor. Ye yaad rakhna, EGF. EGF stands for my epidermal growth factor. And this factor is helps you in the wound healing. This actually helps you down in the wound healing. So, agar kisi ko koi chot lagti hai, ya kisi animal ko agar aap dekho kisi ko koi chot lagti hai, it will start licking the wound. Uske do reason yahan pe hote hain. एक तो आप एंजाइम तो है वहां पे जो उसको लाइक मार्क्स उसको किल करेगा. अलोंग विद दैट इट आल्सो हैव वन प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ईजीएफ. एंड दिस ग्रोथ फैक्टर विल हेल्प इन द वुंड हीलिंग, या आपके जो चोट लगी होती है, जो आपका वुंड होता है, उसको हील करने में आपकी वहां पे मदद करेगा. सो दैट इज वाई इफ यू सी मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स विल हैव दिस लाइक इंट्रिंसिक ट्रेट ऑफ लिकिंग देयर वुंड्स वंस दे गेट सम काइंड ऑफ इंजरी. So that is what you will get to see. ठीक है, तो saliva में इतनी बात याद रखना. अगर EGF याद नहीं रहोगे तब भी चलेगा, बट इतनी बात याद रखना, you have amylase, you have a lysozyme, and you also have an antibody called as my IgA. These are the things I'll find in the saliva, and आपके खाने का digestion आपके saliva में ही, like आपके buccal cavity में ही start हो जाता है, right? I'll just add one more thing over here, that starch का digestion आपके mouth में चालू हो जाएगा, and 30% of the starch. 30% of the starch will get digested in the mouth part only. So 30% salivary amylase karega, baki 70% koi aur kar raha hai. We'll see that later ki baki 70% aapka kaun karega. Theek hai? So is this part clear to you? Kya ye wali slide aap sabko yahan pe samajh aa rahi hai? Is this slide clear to all of you? Yes, sir. Right.
have to ask the same thing in different languages, right? So that is something we have done. Ab ek kaam karte hain, let's run one poll over here and then we can wrap up the class. Theek hai? Now let me just quickly run a poll here and then we can sign off. Just wait a minute. All right, so I'll just launch the poll. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोल लॉन्च हो चुका है. क्विकली आंसर दिस, कम ऑन टू द एक्टिविटी एंड क्विकली आंसर दिस. एंड या इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. हो गया क्या? बढ़िया. बाकी All right, ठीक है. I can see like three answers right now. Please, other people as well, answer this. The question is which of these enzyme is seen in saliva? That is the question, and you can see the options over there. So quickly answer this so that we can wrap up the class. Suryansh, Mukesh, Muhammad Ali. Muhammad Ali is Muhammad Ali Razi, right? If I'm not wrong. No, sir. So that is a different person. No, sir. Okay. All right. Got it. ठीक है. All right then, ठीक है. So that's it. I've received your answer. So let's wrap this up. And now, if you have any question, then please ask a question. अगर आपके पास कोई question है आपके end से,